नमस्ते मैं हूं पर्णिका और स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में इस चैनल पे आपको प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे एंड स्पेशली फोनिक्स के वीडियोस तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि टॉप नॉच मिलेंगे आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो मैथ्स का टॉपिक है कुछ दिन पहले मैंने एक यू क्लास के सैम्पल क्वेश्चन पर वीडियो बनाया था जिसमें इंग्लिश मैथ्स हिंदी सारे सब्जेक्ट कवर थे मैथ्स के अंदर एक टॉपिक था वेन डायग्राम्स इंटरनेशनल बोर्ड के करिकुलम में मैंने वेन डायग्राम्स देखा था आज वही मैं कवर करने वाली हूँ तो आपको पता चलेगा कि वेन डायग्राम्स होते क्या है बिल्कुल बेसिक लेवल पे इनको बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है यानी करीब छः सात आठ साल के बच्चे को ये आप कैसे पढ़ा सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉमेशन है कि मैं एक फ़ोनिक्स ट्रेनर हूँ प्री स्कूल टीचर होने के साथ साथ तो अगर आपको अपने बच्चे को मतलब साढ़े तीन से ले कर आठ दस साल तक के बच्चे को फोनिक्स पढ़ाना है या आप ख़ुद सीखना चाहते हैं आप एक प्री स्कूल टीचर हैं आप एक होम स्कूल पेरेंट हैं और ख़ुद से सीख के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इसके लिए आप मुझे मम्मी ट्यूबर इंडिया ड्रॉप करें मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूँगी वेन डाइग्राम्स बच्चों को सिखाने से पहले कुछ प्री रिक्विज होते हैं मतलब कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चे को पहले से आना चाहिए तो ही वो वेन डायग्राम्स अच्छे से समझ पाएगा और कर पाएगा उसमें से एक है सॉर्टिंग आपके बच्चे को सॉर्टिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए जैसे अगर आपके बच्चे को पांच शेप्स दे दिए अब उसमें बोला कि कौन से शेप्स के थ्री साइड्स हैं उनको अलग करो कौन से शेप के फोर साइड्स हैं उनको अलग करो तो इस तरीके से बेसिक सॉर्टिंग की जानकारी यानी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटने की जानकारी होनी चाहिए वेंडाइग्राम्स में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं जैसे कि यूनिवर्स डेटा सेट यूनियन इंटरसेक्शन बट इस वीडियो में मैं ये सब कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सिक्स सेवन्थ के बच्चों के लिए होता है छोटे बच्चों को यानी कि के, के जी फर्स्ट और सेकेंड के बच्चों को हमें सिर्फ बेसिक लॉजिक सिखाना है कॉन्सेप्ट सिखाना है वेन डायग्राम्स होते क्या हैं दीज आर टूल्स दीज आर डायग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा ये चीज़ों को कंपेयर करने में डेटा को कंपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स देके पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ फिर नंबर्स पे आती हूँ यहाँ पे भी मैंने वही किया है वेन डायग्राम्स के लिए तो मैंने पर्पल एंड पिंक दो कलर्स लिए फिर मैंने अपनी बेटी को पूछा कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद है शी सेट पिंक पर्पल दोनों मुझे दोनों पसंद हैं मैंने बोला पर्पल मुझे ज़्यादा पसंद है इसके प्राशी के पापा ने बोला पर्पल ज़्यादा पसंद है दादी ने बोला पिंक एंड पर्पल दोनों पसंद हैं ऐसे ही प्राशी के कजन्स हैं तो भैया ने बोला कि पर्पल पसंद है दीदी ने बोला पिंक पसंद है नाउ देर आर टू सर्कल्स वन सर्कल फॉर पर्पल अनदर सर्कल फॉर पिंक तो ये पूरा है पर्पल के लिए ये पूरा है पिंक के लिए लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जो ये एरिया होगा वो कॉमन होगा यानी यहाँ पे क्योंकि दोनों है पर्पल भी है पिंक भी है तो ऐसी चीज़ें आएंगी आ, उन लोगों के नाम आएंगे जो दोनों पसंद करते हैं सो प्राशी प्राशी का नाम कहाँ पे जाएगा यहाँ बीच में जाएगा क्यों क्योंकि उसको पर्पल भी पसंद है एंड पिंक भी पसंद है मम्मी को पर्पल पसंद है तो मम्मी यहाँ पे लिखेंगे पापा को पर्पल तो पापा दादी को पिंक एंड पर्पल दोनों तो दादी भैया को पर्पल तो भैया एंड दीदी को पिंक तो दीदी ओके okay, नाउ ये तो हो गया हमारा वेन डायग्राम सबसे बेसिक नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमने शेप्स इंक्लूड कर लिए हैं वेयर डू दी शेप्स नीड टू मूव टू ठीक अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये ट्राएंगल है रेड अगेन अ ट्राइंगल ब्लू रेक्ट पर्पल तो देखते हैं हमें करना क्या है यहाँ पे इस सर्कल में वो शेप्स होंगे जिनके तीन साइड्स होते हैं तो तीन साइड्स किसके होते हैं ट्रायंगल के राइट एंड यहाँ पे वो शेप्स होंगे जो रेड हैं अब ट्रायंगल तीन साइड्स एंड रेड तो ये एक ऐसा शेप है जो दोनों कंडीशंस को मीट कर रहा है तीन साइड्स भी हैं रेड भी हैं तो इसको हम कहाँ लिखे बनाएंगे या लिखेंगे इस कॉमन एरिया में नेक्स्ट ब्लू ट्राइंगल तो तीन साइड्स वाला क्राइटेरिया तो ये मीट कर रहा है बट कलर का क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा है तो हम इसको कहाँ पे करेंगे यहाँ पे करेंगे ये क्या है ये रेक्टेंगल है इसके फोर साइड्स हैं सो साइड्स का क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा है कलर का क्राइटेरिया भी नहीं मीट कर रहा है बिकॉज़ ये पर्पल है तो ये कहाँ जाएगा ये बाहर जाएगा जनरली वेन डायग्राम जो होते हैं वो इस तरीके के रेक्टेंगल बॉक्स में बनाए जाते हैं इसको हम यूनिवर्स बोलते हैं राइट ये पूरा जो है वो यूनिवर्स है तो ये यहाँ पे जाएगा यहाँ पे सर्कल रेड रेड तो है बट इसके तीन साइड्स नहीं हैं तो ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा ऐसे ही इन सारे शेप्स को हमें यहाँ रखना है ये हो गया एक और डायग्राम इसी लेवल के वन डायग्राम्स आते हैं यू के जी या फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए रीडिंग अ वन डायग्राम अभी तक तो हम जो हमें दिया था उस पर हम बना रहे थे अब बच्चों के में ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सिर्फ इतना दिया होता है क्वेश्चन दिया होता है कुछ और क्वेश्चंस दिए होते हैं हाउ टू रीड अ वन डायग्राम सो क्रिकेट बैडमिंटन यहाँ क्या लिखा है ट्वेल्थ किड्स आर there इन अ क्लास सम लाइक क्रिकेट सम लाइक बैडमिंटन एंड सम लाइक बोथ बारह बच्चे हैं किसी को क्रिकेट पसंद है किसी को बैडमिंटन पसंद है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है ठीक तो वैन वी आर सींग सर्कल फॉर क्रिकेट हम सर्कल देख रहे हैं क्रिकेट के लिए तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक है ये हम छुपा सकते हैं ठीक है और ऐसे ही सर्कल जब हम बैडमिंटन के लिए देखेंगे तो हम ये हाइड कर सकते हैं ओके हाउ मैनी लाइक ओनली क्रिकेट ओनली क्रिकेट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वन डाइग्राम में ओनली सिर्फ क्रिकेट पसंद है क्रिकेट तो, का तो ये पूरा है ठीक है बट जो ये वाला हिस्सा है इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं तो ये दोनों का है क्रिकेट बैडमिंटन और यहाँ क्या पूछा है ओनली क्रिकेट तो वन टू थ्री फोर चार बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है सिमिलरली हाउ मैनी लाइक ओनली बैडमिंटन सो वील सी ओनली दिस मच क्योंकि ये कॉमन है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लाइक ओनली बैडमिंटन हाउ मैनी लाइक बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन ये हो गया इंटरसेक्शन वाला एरिया ठीक है तो कितने बच्चों को दोनों पसंद है वन टू थ्री आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए देखते रहिए मम्मी ट्यूबर नमस्ते